अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो 3.1 क्वेश्चन नंबर 7 हमने सॉल्व करना है आज, ठीक है? तो मैं क्वेश्चन यहाँ पे लिख लेता हूँ। 10x जमा 3 डिवाइडेड बाय 4x माइनस 8 इज इक्वल टू 5x जमा 2 डिवाइडेड बाय 2x माइनस 4। सिंपल है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा 10x जमा 3 इंटू 2x माइनस 4 इज इक्वल टू, ये आ जाएगा 4x माइनस 8 इंटू 5x प्लस 2। अच्छा, इसको सॉल्व करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, वो ये x x जमा एक्स एक्स मल्टीप्लाई। जब हम एक्स और एक्स को जमा कर रहे होते हैं ना, तो जमा करने की सूरत में जो यहाँ पे वन और वन होता है ना, वो हो जाता है टू। और जब हम इनको मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं, तो जो इनकी पावर्स होती हैं ना, पावर्स वो जमा होती हैं, वन प्लस वन, और ये एक्स टू हो जाएगा। यानी कि जमा करते हुए आंसर 2x आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हुए आंसर आ रहा है एक्स टू। तो ये यहाँ पे ये चीज़ होनी है, तो मैंने इसलिए इसलिए आपको कहा कि मैं आपको ये कॉन्सेप्ट बता दूँ, ठीक है? कि जब जमा कर रहे होंगे तो 2x आएगा, जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो इनकी पावर्स जो है ना वो जमा हो जाएंगी, तो ये एक्स टू आएगा, एक्स टू, ठीक है? जमा करते हुए 2x आ रहा है, मल्टीप्लाई करते हुए एक्स की 2 आ रहा है, कि ठीक है, पता चल गया है कि जमा करते हुए जमा कैसे करना है और इनको मल्टीप्लाई कैसे करना है। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हमने कर ली है, अब उसको हमने मज़ीद सॉल्व करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं 10 को इसके साथ मल्टीप्लाई करूँगा, तो ये हो जाएगा 20x², ठीक है? x x के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो इनकी पावर, इसकी वन पावर, इसकी वन पावर 2 हो जाएगी, ठीक है? प्लस फिर इस 10 को मैंने करना है इसके साथ ज़रा जमा माइनस, ये इस जमा वो माइनस है, तो जमा माइनस माइनस हो जाएगा, ठीक है? जमा माइनस में 40x, ठीक है? फिर 3 को 2x के साथ करूँगा इसके साथ, फिर 3 को इसके साथ करूँगा, 3 को जब इसके साथ किया, जमा 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 3 2 6, ठीक है? एक्स लग गया, जमा माइनस माइनस, और 4 3 12 इज इक्वल टू, फिर सेम वही, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, पहले 5 4 20, 5 4 20 x², ठीक है? एक्स और एक्स वन और वन 2 हो गया, ठीक है? फिर उसके बाद इसको इसके साथ करना है, जमा 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 आ जाएगा, ठीक है? एक 4 2 8 x, ठीक है? क्योंकि साथ एक्स है, ठीक है? 4 2 8 और ये एक्स साथ आ जाएगा, ठीक है? फिर ये जमा माइनस माइनस, इसको इसके साथ, फिर इसको इसके साथ, जमा माइनस माइनस, ये माइनस का 5 8 40 40 x, और फिर जमा माइनस माइनस, 8 2 16, ठीक है? अब मैंने क्या करना है, अब मैंने सबसे पहले तो मैं ये करता हूँ कि ये जो ये है और ये है, इनको एक साइड पे लेके आता हूँ। ये आ गया 20x² जमा का, और ये यहाँ जमा का, ये उधर जाके माइनस का हो जाएगा, माइनस 20x², ठीक है? माइनस 40x जमा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 8x माइनस 40x माइनस 16। ये जमा का और ये माइनस का आपस में कट जाएंगे, तो बाकी क्या रह जाएगा, बाकी रह जाएगा माइनस का 40x जमा 6x माइनस 12 इज इक्वल टू 8x माइनस 40x माइनस 16, ठीक है? अब मैं इसको मज़ीद अगर सिंपलीफाई करता हूँ तो ये रह जाएगा ये और ये, माइनस का 40 जमा का 6 माइनस का 34x बाकी रह जाएगा, और माइनस का 12 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है? 8x माइनस के 40 में से मैंने जमा के 8x किया, तो बाकी रह गया माइनस का 32x माइनस 16, ठीक है? अब मैं क्या करूँगा, अब मैं ये करूँगा कि मैं एक्स ये और एक्स ये इनको एक साइड पे ले जाता हूँ, ठीक है? ये आ गया मेरा माइनस का 32x, और ये उधर आके हो जाएगा जमा का 34x, ठीक है? ये इधर है माइनस का 12,
और ये उधर जाके जमा का 16 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रह जाएगा बाकी 32, 34x में से 32, 32 मैं निकाल दूंगा, 32 निकालूंगा तो बाकी रह जाएगा मेरा 2x जमा का, ठीक है। और यहाँ पे मेरा रह जाएगा बाकी 4 जमा का, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूँगा, ये 2 जो है उधर चला जाएगा, ठीक है, यानी कि 2x 4, ठीक है। x इज इक्वल टू 4/2, 2 4, यानी कि x की वैल्यू जो है वो 2 आ गई है, और यही हमारा आंसर है जो हमने इसके अंदर सॉल्व करना था। उसके बाद मैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8 मैं कंप्लीट नहीं करूँगा, ठीक है, बस मैं थोड़ा सा आपको बता के इसको थोड़ा सा सीधा करके मैं इसको ख़त्म कर दूँगा, और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सॉल्व कर सकेंगे, आपको कोई ज़्यादा मसला नहीं होगा इसको सॉल्व करने में, क्योंकि अगर आपने ये सही से समझ लिया ना तो इसमें आपको इशू नहीं होना चाहिए, ठीक है। एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 इंटू एक्स माइनस 6, ठीक है। अब वही सेम प्रोसेस, इसको इसके साथ और इसको इसके साथ, ठीक है। इसको मैंने किया एक्स माइनस 6, एक्स माइनस 6, एक्स प्लस 5, एक्स प्लस 5, ठीक है। ये हो जाएगा एक्स माइनस 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। और स्क्वायर तो आपको ओपन करना आता है ना, इसका स्क्वायर ओपन करेंगे और इसको सिंपली सिंपलीफाई कर लेंगे, यानी कि ए प्लस बी का स्क्वायर। ये कोई फॉर्मूला तो आपने पढ़ा ही होगा कि इसके अंदर ए का स्क्वायर होता है, फिर बी का स्क्वायर होता है, फिर जमा दो फॉर्मूले का और ए बी, ठीक है। ये फॉर्मूले के तहत आपने इनका स्क्वायर ओपन करना है, और फिर उनको जैसे ये हमने सिंपलीफाई किया है, इसको हमने सिंपलीफाई कर लेना है, ठीक है। उसके बाद जो है वो हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। अच्छा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर वो क्या कहता है, द एज ऑफ अ बेबी विल बी 5 टाइम्स आफ्टर 20 ईयर्स, कि एक बच्चा है जिसकी के 20 साल बाद जो उम्र है ना वो 5 टाइम्स ज़्यादा होएगी, ठीक है। तो व्हाट इज़ द करंट एज ऑफ द बेबी, तो बेबी की करंट एज क्या है। तो मैंने लिखा कि करंट एज को हमने फ़र्ज़ किया कि एक्स है, ठीक है। वो क्या कहता है, वो कहता है कि एक बेबी है जिसकी के 20 साल के बाद, 20 साल के बाद जो एज होगी ना वो 5 टाइम्स ज़्यादा होगी। तो अगर 5 टाइम ज़्यादा होगी 20 साल के बाद, तो फिर अभी की एज क्या है उसकी। तो मैंने क्या कि जो करंट एज है उसको मैंने फ़र्ज़ किया कि वो एक्स है, ठीक है। अगर एक्स जमा 20 का, तो मैं कि एक्स यानी कि एक्स करंट ईयर है जमा 20 साल, 20 साल के बाद एक्स जमा 20 मैंने कर दिया, ठीक है, इज इक्वल टू 5x, यानी कि वो 5 गुना ज़्यादा होएगी, ठीक है। ये मैंने सिंपल सा ये इक्वेशन एक बना ली है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं ये करता हूँ कि मैंने किया 20 5x, ये जमा का एक्स है तो जाके माइनस का एक्स हो जाएगा, बाकी रह गया 4x इज इक्वल टू 20, एक्स इज इक्वल टू 20/4, 4 × 4 = 4 5 = 20, यानी कि 5 ईयर्स, यानी कि उस बेबी की जो एज है वो अभी जो करंट एज है वो 5 साल है, ठीक है। अभी उसकी करंट एज कितनी है, 5 साल, ठीक है। तो ये है हमें, हमने जो है ना वो इस इक्वेशन के ज़रिए इसका आंसर मालूम कर लिया। बढ़िया सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें ऐसा ऐसी चीज़ तो कोई भी नहीं थी कि उसमें जो है वो हमें कोई इशू हो। उसके बाद जो है, अच्छा